बिहार बिहार में सबसे फेमस लालू जी, कोई खुश होके जा रहा है तो ये चुनाव है, यहाँ हार जीत खुशी हमारे लिए सब पार्टी एक बराबर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर राजनीति में नहीं जाएंगे लोग तो कौन नेता बनेगा। नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत हर दिल भारत। जैसा कि मित्रगणों आप लोगों से मैंने वादा किया था कि बिहार चुनाव के पल पल की अपडेट आपको देंगे, आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमें भोजपुरी के सुपरस्टार समर सिंह साहब मिल गए। तो सरकार ये बताएं, सबसे पहले तो स्वागत है देसी भारत में आपका। धर्म भैया आपको सादर प्रणाम है और देसी भारत देखने वाले सभी दर्शकों को भी सादर प्रणाम है मेरा। ऐसे ही मस्त रहिए, महादेव की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, तो ये बताइए कि कौन सी पार्टी का चुनाव प्रचार करने आए हैं, क्योंकि आप भोजपुरी के स्टार हैं। नहीं, हम चुनाव प्रचार नहीं करने आए थे, हम अपना प्रोजेक्ट करने आए थे देवी गीत और लोकगीत का, जो कि हम लोगों ने किया और बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं रोशन सिंह जी के स्टूडियो में, जिसका म्यूजिक रोशन भैया कर रहे हैं, और गीतकार यादव राज जी, कुंदन प्रीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार पटना इतने दिन रहे, लगभग 10 दिन हो गए हमको, और यहाँ पर चुनाव जो है इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। सभी पार्टियों के कार्यालय की तरफ से हम आ भी रहे थे, हुजूम लगा हुआ है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकदम चापे हुए हैं। कोई कोई देख रहे हैं नाराज होके जा रहा है जिसका टिकट कट जा रहा है, कोई खुश होके जा रहा है। तो ये चुनाव है, यहाँ हार जीत खुशी गम। आप कहेंगे तो लोग वोट भी डालेंगे, तो आपसे किसी पार्टी के नेता ने अभी तक नहीं कहा है कि भाई हमारे पार्टी का प्रचार करिए? नहीं, हम प्रचार, हमको आया था भी कि नहीं हम प्रचार करें, लेकिन हम प्रचार में उतना वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारे लिए सब पार्टी एक बराबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग गाते भी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का भी गाना गाए थे, तो हम कभी बीजेपी का भी गाना गाए थे, कुछ लोगों का गाना हमने यहाँ पे भी गाया हुआ है, जो पर्सनली जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे घर का रिलेशन है, उनके लिए हमने गाया भी है गाना। तो हम लोग कलाकार हैं, हमारा कोई पार्टी नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। लेकिन भोजपुरी के कई ऐसे स्टार और सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने आगे चल के अपनी जाति और धर्म बना ली, पार्टी लेवल पर हो गए, लेकिन पहले इस तरह का बयान दे रहे थे। अगर हम नाम लेना चाहें तो रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ भी अब उसी डगर हैं। अब उनका लाइफ राजनीति में चला गया है, उन्होंने राजनीति को चुन लिया, तो अब वो वहाँ पे सेवा करेंगे, वहाँ से पहले भोजपुरी में काम किए, भोजपुरी की सेवा की, अब वो उनको राजनीति में इंटरेस्ट आया तो राजनीति में चले गए। बाकी अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी फिल्में करना है, बहुत सारे गाने आप लोगों के बीच में देने हैं, तो जिसका जहाँ मन खुश रहे वहाँ काम कर सकते। राकेश मिश्रा जी भी विधायक की लड़ रहे हैं, सिंगर होकर अचानक ही। हाँ, राकेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं जन अधिकार पार्टी से, और मैं अपनी तरफ से और तमाम जनता के लिए यही कहूँगा कि राकेश भैया का सपोर्ट करें, क्योंकि अपने वो बड़े भैया हैं, अपने भोजपुरी से हैं, तो कलाकार के नाते मैं उनका सपोर्ट करूँगा। बाकी रही और पार्टी की बात, तो पार्टी अलग है, व्यक्तिगत जहाँ संबंध हो वहाँ। बिल्कुल, चूंकि आप एक फिल्म अभिनेता भी हैं, सिंगर भी हैं, राजनीति को लेकर क्या चलता है आपके दिमाग में, क्या लगता है, गंदी राजनीति है वाकई में? लोग कहते हैं कि राजनीति में जाना नहीं चाहिए, राजनेता अजीब से हो गए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर राजनीति में नहीं जाएंगे लोग तो कौन नेता बनेगा? सब लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर यही सब बनेंगे, तो नेता कौन बनेगा? तो जब तक लोग नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, चीजों को सामने नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? तो जाना जरूरी है, जब जिसका जहां रुझान हो, जहां मन लगे वहां काम करना। फिर भी अगर मोटे मोटे शब्दों में आपसे हम जानना चाहें तो बिहार की राजनीति में आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका काम आपने अभी तक अपने कानों से सुना कि बहुत अच्छा है? अभी हम पहली बार लगभग, हमको लगता है कि पटना में हम आए हैं कई बार, एक दिन दो दिन के लिए, बट इस बार इतना दिन रहे हैं, हमको अभी समझ नहीं आया कि नहीं हम यहाँ किस पार्टी का पलड़ा भारी चल रहा है, किसका डाउन चल रहा है, ये अभी हम जान नहीं पाए। अगर एकाध महीना आप हमारा साथ देंगे तो हम यहाँ रहेंगे एक बिस्सा जमीन लेके। हाँ, एक बिस्सा जमीन लेके ही बनवाए के घर रहल जी, पता कर लेवल जी 2 महीना में कि नहीं कि नेता बनी कि मुख्यमंत्री बनी,
के यहाँ के विधायक बनी, तो जानकारी लेवे खातिर वहाँ रहे के पड़ी हमने के। बिल्कुल। तो ये तो होना ही पड़ेगा कि नहीं यहाँ शिफ्ट होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, तब पता चलेगा कि नहीं हाँ ये अगले मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है, देसी भारत में इस बात का तो खुलासा हो गया कि समर सिंह आगे चल के यहाँ घर खरीदने वाले हैं, जगह लेने वाले हैं, और कौन सी सरकार आ रही है ये समय आने पर पता चल ही जाएगा। खैर समर भाई ये बताएं कि अगर जब भी बिहार का नाम आता है, तुरंत ही मैं आपसे कहूं कि बिहार, तो सबसे पहले कौन सा नेता आपके जहन में आता है? बिहार, बिहार में सबसे फेमस लालू जी। वाह क्या बात है, लालू जी की कोई एक बात अगर आपको बड़ी अच्छी लगती हो। लालू जी का बहुत सारा बातें बहुत सारी हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन लालू जी ने जो रेलवे को इतना मुनाफा में दिया, पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा हुआ है कि वैसा रेल मंत्री जिसने रेलवे को प्लस में रखा, माइनस में नहीं रखा, तो इसको भूला नहीं जा सकता। बिल्कुल, अब लालू जी जो हैं वो बिहार में नहीं हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं, विरासत की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आपको नहीं लगता कि बिहार में भी सरकार उनकी बन जानी चाहिए अगर वाकई में अच्छा काम है? यहाँ तो मिल के लड़ रहे हैं, एनडीए मिल के लड़ रहा है, तो 50% हमको पता चला, हमने पेपर देखा कि नहीं 50% जेडीयू और 50% सीट पे बीजेपी लड़ रही है, तो 50-50 है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश जी होंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये तो जब चुनाव हो जाएगा, जीत जाएंगे लोग, तब बताया जा सकता है कि नहीं किसकी सरकार बनेगी, किसका क्या। बिल्कुल, बड़ी कायदे की बात समर सिंह साहब ने कही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इनके पास इतने सारे काम हैं कि राजनीति की तरफ आपकी आंखें नहीं जा रही होंगी, लेकिन अखबार पढ़ते हैं जी कि आप देख रहे हैं देसी भारत, आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर में भारत, हर घर में भारत, हर दिल भारत, हर दिल भारत। नमस्कार, कुछ कहना चाहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव।